जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित विधिक साक्षरता मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर स्थित न्यू कमेटी हॉल में आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता शिविर के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तारकेश्वरी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता संगोष्ठी में न्याय अधिकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और अधिवक्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। संगोष्ठी में राइट ऑफ वोट पर पदाधिकारियों और जनपद न्यायाधीश ने अपने विचार प्रकट करते हुए 19 मई को होने वाले मतदान के दिन अपने मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करें और मतदान जरूर करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तारकेश्वरी सिंह ने कहा, चेयरमैन बार गणमान्य अतिथि का स्वागत करते हैं। इसी क्रम में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ए विजय बंसा टू प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट ऑफ आवर गैदरिंग रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सर। मैं देख रहा हूँ इतना चमक है मतदान में आम जनमानस की सहभागिता यहीं से परिलक्षित होती है कि आज भी 55% से लेकर 65% ही मतदान हो रहे हैं, यानी आज भी लगभग औसतन 40-45% लोगों की सहभागीदारी नहीं हो पा रही है। वो लोग उन सरकारों को ना तभी सफल होगा जब सभी मतदान करें और अपने स्वस्थ और स्वच्छ मन से करें। सर प्रथम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपने सब परिवार अपने मत का इस लोकतंत्र के उत्सव में अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें और राष्ट्रहित में एक अच्छी सरकार का निर्माण में अपना योगदान प्रस्तुत करें। एक समय वो था जब लोकतंत्र हुआ तो जो गांव में ठेकेदार होते थे वो थे, वो छोटे लोगों को लोन देते थे, वो नहीं लोगे या उनके बताने पर वो देना होता था, तो उस वक्त वो मतदाता निकल के मतदान लेने नहीं जाता। लेकिन आज इसकी उल्टी हो गई। आज वो मतदाता जिसके कंधे पर उत्तरदायित्व है, जो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, जो संस्कार पर है, जिसके कंधों पर देश के निर्माण का दायित्व है, जो तनख्वाह पाता है, जो व्यापार करता है, जो समृद्धशाली है, सुखी है, वो बार है, अनपढ़ है और रोजमर्रा की जिंदगी में रोज काम करके और फिर मतदान लेने के लिए भी मतदान तत्पर तत्पर सौभाग्य कहते हैं कि जागे हुए को तो जगाना आसान है, सोए हुए को तो जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना थोड़ा मुश्किल। और यही कारण है कि आज ये उत्तरदायित्व तो हम सब के कंधों पर आ गई है कि जहाँ शिक्षित और सभ्य समाज के कंधों पर इसका दायित्व आया है, वो अपने साथ
करने वाले लोगों को अपने साथ रहने वालों को जागरूक करें, उनसे आग्रह करें, उनसे निवेदन करें कि भाई एक दिन और विश्राम छोड़कर और इस दिन मतदान करने के लिए जरूर निकले। आए हुए सम्मानीय सदस्य तथा यहाँ पर उपस्थित जनता की गणमान्य व्यक्ति, हमारे कर्मचारीगण, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री करने के बाद हमारी सचिव ने अति महत्वपूर्ण विषय पर राइट टू वोट का कार्यक्रम इस न्यायालय परिसर में रखा, जिससे आए हुए बात करी हम सभी केवल बार दर्शन के लिए प्रशस्ति नहीं प्राप्त होगी, पर हम लोग इस बिंदु पर विचार करेंगे कि कितने महत्वपूर्ण बिंदु को और इसकी महत्ता को हम लोग नहीं समझ रहे। राइट टू वोट देखने में एक छोटी सी बात लग रही है, हमको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी छिपी हुई है। यह देश किस द्वारा चलाना है, किस सरकार के द्वारा चलाना है, उसके क्या सिद्धांत है, उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या नियत है, यह हमको देखना। यह देश ऐसी सत्ता के हाथ जाना चाहिए तो देश का सर्वांगीण विकास कर सके। चिकित्सा के क्षेत्र में, यांत्रिक के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, विभिन्न ऐसे क्षेत्र में इससे राष्ट्र बनता है। और वो एक और सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसे नहीं बताया, वो शिक्षा का क्षेत्र। अगर हम राष्ट्र को शिक्षित करेंगे और राइट टू वोट जैसे महत्वपूर्ण पहलू को, इस बिंदु को हम अगर दावों में रख देंगे और जिसे समस्त शिक्षा समस्त व्यक्ति जब बार बार हम पढ़ाएंगे बताएंगे तो बच्चे ऐसी अनपढ़ ज्यादा जाते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति, मुझे लगता है कि वास्तव में जैसे पूर्वोत्तम ने कहा और हमारे रिकॉर्डिंग करने वाली हमारी न्यायिक अधिकारी ने कहा भाई छुट्टी को एंजॉय करते हैं, बड़ा दुखद है। ये कह रहा है वोट डालने गरीब तथा अनपढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जाते हो, बल्कि वो वोट डलवाने के लिए ले जाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उन पर दबाव, विभिन्न प्रकार के उन्हें प्रलोभन दिए जाते हैं, पता नहीं किसके ट्रैक्टर में बैठे जा रहे हैं, किसकी मोटर में बैठे जा रहे हैं, कितना रुपया प्राप्त कर रहे हैं, कहां उनको डालना है, वोट उनको इतना होता है। वोट डालने से पहले कम से कम एक माह पहले हर गांव में टीवी एलसीडी लगा करके वोट का महत्व काम वालों को समझाना चाहिए, और जब पूरा समय अगर खराब हो रहा है उसी से उनकी खान पान की व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए, जिससे कि जिस प्रकार हम अच्छे सिनेमा को देखने जाते हैं तो इंटरवल भी हमको बड़ा भारी पड़ जाता है, हम सोचते हैं भाई जल्दी पिक्चर शुरू हो। इसी प्रकार वोट डालने की महत्ता अगर समझ में आएगी तो अनपढ़ भी वोट डालने का महत्व समझेगा। पढ़ा लिखा वोट इसलिए बहुत से इसलिए नहीं डालते, वो जानते हैं भाई कोई सरकार आएगी वही काम करेगी जो कर रही, तो आने तो यार जब यही हो रहा है तो ये करने, कुछ लोग इसलिए नहीं जानते
तो ये सोचते हैं भाई इस दौरान अपना घर का काम निपटा लो, थोड़ा सा छोटे को काम को व्यर्थ करके उसे ले जाते। रोमन में लैटिन युग में जो समय है, आप समझिए कि जो हमारा कानून जो हुआ है उसमें राइट को समझते थे। एक मैसिव आई थी यूनिजस इवी रेबिडियम, अगर अधिकार है तो उसका एक्सक्लूजन होना चाहिए। तो उसी पर तो एक केस आया था, एक एसपी मैडम व्हाइट का केस था शायद, मुझे लग रहा है कई सौ साल पुरानी बात है। कितने अंग्रेज अपना सिविलाइज था, अपने राइट ड्यूटी लाइब्रेरी कर्तव्य के प्रति इतना निष्ठावान था कि छोटी छोटी बात पर हमने तो इसको केवल एक लीगल राइट दिया, एक स्टैट्यूटरी राइट दिया, हम इसको संवैधानिक राइट नहीं दे पाए। हम इसके लिए कोई कभी कहीं भी कोर्ट में नहीं गया, कहीं किसी इसके डैमेजेस क्लेम नहीं किए, कहीं किसी पर मुकदमा चला करके उसको दोषित नहीं किया गया। हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी पर ये दायित्व बनता है हर एक का नाम वोटिंग लिस्ट पर डाले, वोटर लिस्ट पर नहीं है तो उसमें सभी वोटर लिस्ट में उनके घर पर उनको वोट डालने के लिए सिर्फ पहुंचाए। वही कुछ कर नहीं रहा है, स्कूल के टीचर इकट्ठे होते हैं बेचारे घर घर जाकर के दीवार पर नंबर लिख लेते थे भाई इसमें गए और हमने पास वोट जो है कॉम्प्रोमाइज घर के अंदर कितने वोटर को लिख लिए। जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, जो बच्चे उनके और किसी प्रदेश में रह रहे हैं उनका नाम नहीं लिखे। मेरा कहने का अर्थ यह है इस राष्ट्र की व्यवस्था इस प्रकार की है, इस प्रकार की है कि वो अपने कार्य को कार्य रूप में परिणति नहीं दे रहे, केवल भार। आज न्यायपालिका के कंधे पर है, जिसको नक्का देने के लिए हमारे अधिवक्ता का उपस्थित है, प्रेरित करते रहते हैं, बताते रहते हैं भाई जज साहब आपको ठीक करो, इसका मतलब सब गलत हो ना, इसीलिए तो सही कर सकते हैं। और जो न्याय को धक्का दे सकते हैं, न्याय को एक उस दूरी तक ले जा सकते हैं जहां तक हमारा विश्वास है और जहां तक हमको जाना चाहिए जिस सीढ़ी तक। इसलिए मैं अपने पिता रत्ना घर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो राइट टू वोट को इस वक्त एक व्यवस्थित हो जाए, एकत्रित हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए और इसको पढ़ाएं, अपने कैंप लगाएं, प्रशासन से मिले, नेताओं से मिले। ये तो मुख्यमंत्री का जिला है, ये मुहिम इंडिया भर में चलाएं कि हम सब के वोटिंग मत को दिलाने के लिए पहले वोटिंग कार्ड बनवाएंगे। कोई भी इसका नागरिक इस बात से वंचित न रह जाए कि उसका वोटिंग कार्ड नहीं होगा और दूसरों के नाम से जो वोट पड़ते हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति को वोट डालने की महत्ता समझाते हुए, वोट डालने के प्रेरित करने के लिए, वोट डालने के लिए वोटिंग लिस्ट में नाम आने के लिए हम लोगों को ये अपना योगदान देना होगा। मैं पूरे बाहर से उम्मीद करता हूँ तो देश के स्वतंत्र आंदोलन से लेकर देश को चलाने से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब हमारे अधिवक्ता के बड़े हैं। अब आज भी हमने अपनी बात में भी यही कहेंगे भाई राइट टू वोट पर सिंपोजियम और साथ ही बांटता है कराते रहे करें साल में और इस तरह इसको निष्पादित कराने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लें, प्रशासन को भागीदारी को बढ़ाए। आज गोरखपुर न्यायालय में मीटिंग हॉल में वोट के संबंध में एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें वादकारियों को, अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को ये कहा गया कि वो अपने वोट का प्रयोग करें, जिस व्यक्ति को वोट देना चाहे बिना किसी स्वार्थ प्रलोभन के वोट दें और 19 तारीख को होने वाले मतदान में अपनी पूरी सहभागिता दें।